तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल की स्क्रीन है वही आपको कंप्यूटर में कैसे देख सकते हो। तो गाइस हम कई सारे जो मोबाइल को यूज करते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन है वही हमें पीसी में देखना है तो आपको आसान तरीके यहाँ पे यूएसबी केबल से देख सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो कंप्यूटर है वही आपको ओपन कर देना है। तो यहाँ से हमारा जो विंडोज 7 का पीसी है उसके मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर दिया है और यहाँ से आपको सर्च में टाइप करना है ए पावर मिरर। ये आपको एक छोटा सा एक एप्लीकेशन है वही आपको पीसी में डाउनलोड करना है। तो फर्स्ट में उसका जो ऑफिशियल साइट है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो चले यहाँ से जो ए पावर मिरर का ऐप है वही आपको पीसी में इंस्टॉल करना है। तो चले उसका जो ऑफिशियल साइट है यहाँ पे ओपन हो गया है तो आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देना है। तो चले यहाँ से मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे वेट करना है और कुछ देर के बाद आपका जो पीसी में ए पावर मिरर है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी स्क्रीन पे देख लीजिए यहाँ से एक छोटा सा एप्लीकेशन है वही आपको डाउनलोड कर देना है और डाउनलोड करके आपको यहाँ पे ओपन करना है। तो चले यहाँ से मैं क्लिक करके उसका ओपन का ऑप्शन आता है वही आपको उसमें क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे शो इन फोल्डर पे कर सकते हो। तो चले यहाँ से मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया है। तो इस जो ऐप है यहाँ पे आपको पीसी में इंस्टॉल करना है। तो चले यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन है वही हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको इंस्टॉल कर देना है और इंस्टॉल होने के बाद चले मैं आपको ओपन कर देता हूँ। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कैसा ही से हमारा पीसी में जो ए पावर मिरर है यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो चले मैं आपको लाइव करके बताने वाला हूँ। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कैसे हमारा जो कंप्यूटर है तो उसमें ए पावर मिरर है यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया है और इस हमारा जो पीसी है तो उसमें सीपीयू में यूएसबी केबल पे लगा दिया है। तो चले आपको मोबाइल में ए पावर मिरर है वही आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके आपको ओपन कर देना है और ओपन करके उसमें यूएसबी का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके यूएसबी केबल है वही आपको मोबाइल में कनेक्ट करना है क्योंकि हमें मोबाइल की स्क्रीन है वही हमें टीवी में देखना है यानी कि पीसी में देखना है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट नाउ का ऑप्शन है वही आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं मोबाइल में अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। लेकिन गाइस आपको मोबाइल में यूएसबी का ऑप्शन होता है वही आपको ऑन कर देना है क्योंकि आपको डेवलपर ऑप्शन में यूएसबी डबिंग का ऑप्शन दिखने को मिल जाता है वही आपको ऑन कर देना है। तो चलो मेरा मोबाइल में ऑलरेडी ऑन है। तो यहाँ से मैं यूएसबी पे क्लिक करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूएसबी ऑप्शन है उसको ऑन कर देना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है, यूएसबी आपको डबिंग है उसको भी ऑन कर देना है। दोनों ऑप्शन ऑन करके आपको पीसी में स्टार्ट नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको मोबाइल में यहाँ पे एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से हमने स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दिया है तो हमारा जो मोबाइल की पूरी स्क्रीन है यहाँ पे हमारा कंप्यूटर में शो हो जाएगा। तो गाइस आपको इस तरह यहाँ से यूएसबी केबल से मोबाइल की पूरी स्क्रीन है वही आपको पीसी में देखना है तो आपको आसान तरीके यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि सही से मोबाइल की पूरी स्क्रीन है यहाँ पे हमारा टीवी में शो होने लग गया है। तो आपको किसी भी वीडियो को ओपन करना है, गेम खेलना है, आपको यहाँ से कई सारे ऑप्शन है वही आपको मोबाइल की स्क्रीन है उसकी मदद से आपको पीसी में देख सकते हो। लेकिन आपको पीसी में कई सारे ऑप्शन पे दिखने को मिल जाता है, आपको यहाँ से जो स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो चलो मैं स्क्रीन शॉट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से हमारा सही से जो स्क्रीन शॉट है यहाँ पे हो गया है। लेकिन आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से कर सकते हो, कई सारे ऑप्शन पे आपको दिखने को मिल जाता है। गेमिंग कीबोर्ड ओपन करना है तो यहाँ से आपको फुल स्क्रीन करना है तो पीसी में आपको मोबाइल की स्क्रीन है वही आपको फुल स्क्रीन में कर सकते हो। तो अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से सही से फुल स्क्रीन हो गया है। तो आपको इस तरह कई सारे मोबाइल में फोटो वीडियो होता है
वही आपको पीसी में मोबाइल की स्क्रीन देखना है यूएसबी केबल से, तो गाइस आपको आसान तरीके यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे हमारा कई सारे मोबाइल में ऐप है। यहाँ पे जो मैं यूट्यूब को ओपन कर रहा हूँ तो सही से पीसी में यूट्यूब भी ओपन हो रहा है, यानी कि मोबाइल की पूरी स्क्रीन है वही हमारा पीसी में चल रहा है, वो भी यूएसबी केबल से। तो आपको आसान तरीके यहाँ पे यूएसबी केबल से मोबाइल की स्क्रीन है वही आपको पीसी में देखना है, यानी कि पीसी में चलाना है तो आपको आसान तरीके यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन आपको पीसी में फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ से कर सकते हो, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो यहाँ से आपको आसान तरीके यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइस जो जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है कि मोबाइल की स्क्रीन है वही आपको कंप्यूटर में कैसे देख सकते हो। आपको माउस से स्क्रॉल करना है पीसी में तो आपका मोबाइल में जो स्क्रीन है वही आपका स्क्रॉल हो जाएगा। तो माउस से यहाँ से सेटिंग को ओपन करना है तो माउस से पूरा मोबाइल यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो डिसकनेक्ट करना है तो यूएसबी केबल को मैं हटा देता हूँ तो यहाँ से हमारा डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो चलो मैं यूएसबी केबल को मोबाइल से हटा देता हूँ तो यहाँ से हमारा पीसी में डिसकनेक्ट हो गया है। तो गाइस आपको आसान तरीके यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन आपको पीसी में चलाना है यानी कि देखना है तो आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना।